हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण। मैं आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया रखना पड़ता है, कैसे लाइन खींचा जाता है, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ड्राइंग के अंदर से। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन मीन्स जिसमें तीन व्यू होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू नीचे होगा, साइड व्यू फ्रंट व्यू के पास में होगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू नीचे होता, टॉप व्यू ऊपर होता और नीचे होता। दोस्तों इस कंडीशन में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दोस्तों ये आपके सामने दिखाने की कोशिश करूँ, पास से लिखे। ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है जिसका फ्रंट व्यू देख रखा है। इस प्रोजेक्शन का व्यू कैसे बनेगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब तीन व्यू बनाना है इसको, फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू, टॉप व्यू कैसे बनाना है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे ड्राइंग के हिसाब से सबसे पहले चूज करना होता है उसका व्यू का पोजीशन क्या होगा। यहाँ दोस्तों आपके सामने दिख रहा है ये मेरा राइट साइड है तो लेफ्ट व्यू जो बनेगा लेफ्ट साइड में, फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा। दोस्तों इसके बाद में मैं आपको एज पर डायमेंशन सबसे पहले जो जो दिखता है उसको सबसे पहले बनाना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो दिख रहा है ये ड्राइंग के अंदर से जो दिख रहा है दोस्तों, ए बेस दिख रहा है, ए बेस दिख रहा है और ए दिख रहा है और ए दिख रहा है, ए बेस दिख रहा है जिसका हाइट जो है दोस्तों वो है 12 mm है। दोस्तों ये 12 mm के हिसाब से आपका 16 mm हाइट है। सबसे पहले 16 mm और 96 mm, ये 96 mm दोस्तों हमने 96 का एक लाइन खींच दिया जिसका हाइट है 16 mm, हमने 16 mm का एक लाइन खींच दिया। दोस्तों ये जो आपके सामने दिख रहा है ये हमारा बेस अभी तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला है जो ये ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है, 64 mm तक ऊपर गया है, नीचे से लेके 64, नीचे से लेके 64, ठीक है दोस्तों। ये नीचे से लेके हम 64 mm का डायमेंशन कर दिया, तो इसमें भी यहाँ पर आपका जो जो डायमेंशन है वो है 16 mm है। तो हमने ये 16 mm का लाइन खींचा तो हमारा ये एक चीज़ तैयार हो गया दोस्तों, ये नीचे का बेस हमारा तैयार हो गया। दोस्तों आपके सामने दिख रहा है कि जी पोर्शन दिख रहा था, ये दिख रहा था, मैंने इसको लगा दिया, ये दिख रहा था, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये दिख रहा है जिसका डायमेंशन है, हाइट है 28 mm और जो इधर का जो चौड़ाई है वो है 24 प्लस 16, ठीक है दोस्तों। 40 mm इधर है, 40 mm इधर है, ये दोस्तों हमने 40 mm का मार्क कर दिया और 28 mm बोल रहा ऊपर गया है, 28 mm ऊपर गया है, 40 mm इधर है, 28 mm ऊपर गया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हमने सबसे पहले अगर ब्लॉक तैयार कर दिया, ये हमारा जो ए पोर्शन दिख रहा है दोस्तों आपके सामने, जो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन को हमने बनाया। इसके बाद करना क्या है, जो इसके बाद ये जो 12 mm का जो है ये इसके साथ इंक्लाइंड जो है उसको हमने जॉइंट कर दिया, ये हमने जॉइंट कर दिया, ठीक है दोस्तों। इतना पोर्शन दिखेगा लेकिन यहाँ से जो कर्वेचर है वो कर्वेचर लाइन आपको दिखाना है। सबसे पहले 8 mm का, 8 mm का जो है यहाँ से 8 mm यहाँ से यहाँ छोड़ना है जिसका रेडियस देख रखा है 24, तो यहाँ से 24 mm का रेडियस छोड़ना है दोस्तों। ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा जो हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं डायमेंशन पुट कर देता हूँ, ये जो है टोटल है 96 mm है दोस्तों, मैं साथ में डायमेंशन पुट दे देता हूँ, ये हमारा 96 है दोस्तों। इसका जो हाइट है वो भी दे देता हूँ, जिसका जो हाइट है 64 mm, इसका हाइट जो है 64 दोस्तों। और ये जो रेडियस है दोस्तों इसका डायमेंशन है हमारे पास में है, जो पूरा डायमेंशन कर देता हूँ दोस्तों, ये पोर्शन का डायमेंशन 8 mm है और ये पोजीशन का डायमेंशन है वो है 24 mm दोस्तों। ये पोजीशन का डायमेंशन है वो है 16 mm दोस्तों, इतना डायमेंशन हमने पुट कर दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको हमें थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों ये ब्लैक कलर यूज करके मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ब्लैक कलर यूज करके मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्चुअल जो मेरा ड्रॉइंग है वो ड्रॉइंग को मैं कॉम्प्लीट कर रहा हूँ दोस्तों।
दोस्तों ये जो हमारा कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है फ्रंट व्यू, एज पर डायमेंशन हमने फ्रंट व्यू बना दिया, ये आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। इसके बाद बनाना है आपको टॉप व्यू, मैं इधर थोड़ा ले लेता हूँ। इसके बाद आपको टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू का कंडीशन है जो ऊपर से दिखेगा वो टॉप व्यू है दोस्तों। सबसे पहले ये जो लाइन है ये सीधा सीधा ये लाइन जो है आपका ये नीचे आएगा, कहाँ तक नीचे जाएगा, टोटल डायमेंशन है 64, ये 64 तक आएगा दोस्तों। ये हमारा 64 है, ये डायमेंशन कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है हमारा 64, ये 64। इसके बाद दोस्तों ये जो लाइन है ऊपर फेस से वो कितना डिस्टेंस में जाएगा दोस्तों, यहाँ से डायमेंशन से हमको पता लग रहा है। जो ये डिस्टेंस है ये 8 mm का उधर आएगा। इसका जो डिस्टेंस है दोस्तों मैं एक मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये फेस से लेके 22 mm, इस फेस से लेके 22 mm छोड़ना है हम दोस्तों, यहाँ से लेके 22 mm छोड़ दिया, ठीक है, इस फेस पे लेके 22 mm छोड़ दिया, तो हमारा पूरा डायमेंशन वहाँ आके कंप्लीट हो जाएगा। ये फेस से लेके हमको 22 mm छोड़ना है, ये हमने 22 mm छोड़ दिया दोस्तों। ये अभी ये मेरा यहाँ तक है। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, इस जो पोर्शन है ये पोर्शन को धीरे से नीचे निकलना है, ये हमारा आ गया। ये पोर्शन को धीरे निकलना है, ये हमारा आ गया। ये पोर्शन को धीरे से निकलना है, ये पोर्शन आ गया दोस्तों। इसके बाद जो है जो हमारा इंक्लाइंड पोर्शन जो है वो ऐसा नहीं है, वो इसके आपको ऐसा दिखेगा, ये इंक्लाइंड हो गया दोस्तों। इसके बाद जो बोला है यहाँ से लेके जो 64 है, 64 से लेके बाई फेस से यहाँ से 16 mm, 22 mm तो ये हो गया, यहाँ से 16 mm में जाके, ये पोर्शन नहीं है दोस्तों, यहाँ से 16 mm में जाके हमारा एक कर्वेचर बना हुआ है दोस्तों। ये कर्वेचर बना हुआ है जो पूरा पूरा कटा हुआ है, जो कर्वेचर है ऐसा कटा हुआ है दोस्तों, कर्वेचर है जो कटा हुआ है। उसके बाद जो है हमारा ये टॉप भी हो गया, ये हमारा 12 mm है, ठीक है, ये जो है ये हमारा 16 mm है दोस्तों, हमने दिखा रहा हूँ 16 mm है। और यहाँ से लेकर डिस्टेंस हमारा 22 है, ये हमारा टॉप भी हो दोस्तों, देख लेता हूँ, ये हमारा दोस्तों टॉप व्यू तैयार हो गया। ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, हर चीज दोस्तों। ये जो डायमेंशन है यहाँ आके हमारा डॉटेड शो कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया टॉप व्यू। टॉप व्यू के बाद आता हूँ मैं फ्रंट व्यू पे। ये हो गया, ये हो गया टॉप व्यू, ये लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इंक्लाइंड चला गया, ये हो गया दोस्तों। इसके बाद मैं आता हूँ, हमारा ये व्यू कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने 45 डिग्री का एक एंगल खींचना होता है, ये 45 डिग्री होना चाहिए, ये 45 में होना चाहिए। इसके बाद जितना लाइन है दोस्तों उसको सेफ एक्सटेंशन करना होता है दोस्तों। ये 45 का खींचने के बाद जितना लाइन है उसको सेफ एक्सटेंशन करना होता है दोस्तों, उसको सीधा ऊपर लेके जाना होता है। ये हमारा टॉप लाइन है, ये टॉप लाइन को मिटा दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमको बनाना है क्या है, लिप साइड व्यू। लिप साइड व्यू में सबसे पहले आपको ये कट पोर्शन दिख रहा है, तो ये कट पोर्शन यहाँ से आएगा जो हमारा डायमेंशन ए वाला है, ठीक है दोस्तों, ए वाला। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को आपको लेके आना होता है, ठीक है दोस्तों, जो हमारा ये पोर्शन में आकर टच कर रहा है और ये पोर्शन टच कर रहा है, मतलब है ए पोर्शन और ए पोर्शन में हमारा कटा पोर्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों साइड व्यू का देखें तो साइड व्यू में मेरा जो है इंक्लाइंड जो गया है, यहाँ तक हमारा एक इंक्लाइंड गया है, यहाँ तक हमारा इंक्लाइंड गया है जिसका डायमेंशन ए आया है दोस्तों, ए आया है, ये हमने दिखाया है इंक्लाइंड गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा रेक्टेंगल है, इंक्लाइंड के बाद रेक्टेंगल आया है, वो कहाँ तक जाना है, वो है यहाँ तक जाना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जाएगा वो रेक्टेंगल,
ये रेक्टेंगल शो कर दिया दोस्तों। इसके बाद जो है कर्विचर है और कुछ नहीं आएगा। इसकी जगह ये जो पोर्शन है ये हमारा ये डॉटेड लाइन शो हो गया, ठीक है। इसकी जगह हमारा आएगा कर्वेचर लाइन। ये कर्वेचर लाइन हो गया। इधर से देखा तो ये देखा, ये फेस देखा और ये कर्वेचर लाइन देखा, ठीक है दोस्तों। डायमेंशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा इसको ब्लैक करके आपको सामने पुट कर देता हूँ। हमारा डायमेंशन अभी कंप्लीट है। ड्राइंग दोस्तों कंप्लीट है। ड्राइंग बहुत आसान है, सिर्फ दिमाग लगाने का ज़रूरत है। मैं जितना जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान पे रख के बनाना होता है, इतना आसान सा काम नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो डायमेंशन है ये जो दिखा है ये है हमारा 16 mm, ठीक है। ये जो डायमेंशन है ये हमने दिखा है, इसका डायमेंशन है 16 mm। इसका जो हाइट है दोस्तों ये हाइट है वो है 28 mm। ये जो हाइट है बेस से लेके हाइट है ये है 28 mm दोस्तों। ये 28 mm है जो यहाँ से हमारा कर्वेचर शुरू होता है, एक कर्वेचर है दोस्तों। ये जो हमारा डायमेंशन है ये है 12 mm। यहाँ हमने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो हमारा डायमेंशन लाइन है, ये 12 mm है दोस्तों। इस ड्राइंग के हिसाब से जितना डायमेंशन है हमने पूरा पट पुट करके आपको दिखाने की कोशिश किया। ये हमारा ड्राइंग है जिसमें ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बोला है, फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए मैंने हर डायमेंशन उसको आपके सामने रख के दिखा दिया। ये हमारा डायमेंशन है। ड्राइंग कंप्लीट होगा तो इस हिसाब से बनेगा दोस्तों। हमने एक एक पार्ट आपको दिखाने की कोशिश किया दोस्तों। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू, टॉप व्यू हमने आपके सामने बताया, दिखाया, हर पॉइंट को हमने इंडिकेट किया, वो लाइन कहाँ से आया, क्या डायमेंशन है दोस्तों। माई चैनल क्लासरूम दादा, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।